बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। मेरे सदगुरुदेव श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के एक इलाही और निराले फकीर पूज्य भाई जी, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बगीची जिनके अपने रोम रोम में अपने इष्ट का प्रेम समर्पण त्याग बलिदान और विनम्रता का खजाना भरपूर है अंदर बाहर से, तो उसी तरह से हिसार के बगीचे को मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सींच रहे हैं, सींचते रहें और ये बगिया इसी तरह हरी भरी रहे। हर पल दिल से यही दुआएं निकलती हैं अपने सतगुरुदेव भगवान के आगे कि अपने इन लालों की आयु भी दीर्घायु करो, स्वस्थ तंदुरुस्ती बख्शो, ताकि मेरे मालिक का नाम जो ये रोशन कर रहे हैं युगो युगो तक रोशन करते रहें। तो इन प्रेम की मूर्तियों को, विनम्रता की मूर्तियों को, इनके एक एक शब्द जो अभी हम सुन रहे थे, एक शब्द ही काफी है जीवन में अगर उतर जाए तो, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं होता। संसार की वस्तु को बाजार से खरीद सकते हो पैसे देकर झूठी माया से, लेकिन फकीरों की जो रहमत होती है ना, ये बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। ये रहमत अंतर मन से जो इनके उद्गार होते हैं, ये एक दुर्लोक की वाणी होती है, सचखंड की वाणी होती है। जो सतगुरु से जुड़े होते हैं उनको वो शब्दों के मोहताज नहीं होते, ना वो दुनिया के लिए कुछ करते हैं, वो तो सतगुरु का संदेश जो ऊपर से आता है वे वाणी से बाहर निकल जाता है। लेने वाले पे निर्भर है वो उन शब्दों को क्या समझते हैं, उसकी केवल शब्द और व्याख्या पे जाते हैं या उस सार में डुबकी लगा करके सदा के लिए दूर और दूर हो जाते हैं, ये है लेने वाले के ऊपर निर्भर। तो पूज्य भाई जी के मुखारविंद से भी हम सुन रहे थे, क्योंकि बिना प्रेम के आज संसार में देख लो, किसी शादी पे किसी को बुलाना होता है, कई तरह के न्योते देते हो, घर तक जाते हो या संदेश देते हो, तुम उसके यहाँ जाते हो वो तुम्हारे यहाँ आते हैं, ये एक व्यवहार बना हुआ है। लेकिन ये रिश्ता त्रिलोकी नाथ से जो है ना, ये शब्दों का मोहताज, ना ये जुबा का मोहताज, ना ये माया का मोहताज, और ना ये दिखावे का मोहताज है, ना कार्ड और चिट्ठियों का मोहताज है। ये मेरी नंगली सरकार का रिश्ता तो केवल दिल की तारों का मोहताज है। दिल की और प्रेम की तार की तो कीमत है ही नहीं दुनिया में, कहते वाह प्या जाने रा प्या जाने, जिन्होंने जोड़ी है या वो जानते हैं और जिससे जुड़ी है या वो जानते हैं, इससे दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि जिसने जोड़ी है वो जानता होगा कि उसके मिल जाने के बाद जिंदगी क्या से क्या हो जाए, पर जिससे जुड़ी होती है वो जानता है कि मैं इस पर सबको छावर कर दूं तो भी कम है। हम सोचते हैं किताबों में ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के हाथ में त्रिलोकी है, भगवान के हाथ में सारी सृष्टि है, भगवान के हाथ में सारी दुनिया है, लेकिन हकीकत पे उतरो तो देखो, हम तो कहते हैं भगवान नहीं, भक्तों के हाथों में सब कुछ है। भक्त भी चरणों की नाथ को बांध लेते हैं और ऐसी प्रेम की डोरियों में कि उन्हें मजबूर होकर के
सारी मर्यादाएं तोड़ करके कुछ से कुछ भी करना पड़ जाता है, वो इतने मजबूर हो जाते हैं प्रेम की तार के आगे, जिसे ना योगी ना यति ना तपस्वी जिसका आर पार पा पाए, जिसे पाने और रिझाने के लिए कई वर्षों तप करते रह जाओ तो बात नहीं बनती, लेकिन जब प्रेम का रिश्ता इतना शुद्ध इतना पवित्र इतना निश्चल और इतना करीबी से हो जाता है तो भगवान बिक जाते हैं। देखा, और ये हकीकत है। आज नंगली निवासी भगवान साकार आए साथ चले तो ये क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। ये तो अनुभव का विषय है कि प्रेम की डोर से बंधे हुए दुनिया को नचाने वाले भक्त के इशारे पर नाचते हैं, और वो जब नाचते हैं महफिल में क्या रंग बरसता है, क्या से क्या हो जाता है। ये तो एक अंदर का रस है, ना ये दिखावे की कोई बात है और ना ये शब्दों का मोहताज है। तो पूज्य भाई जी भी कह रहे थे कि हमें कुछ लेना है, तो प्रेमियों हर वस्तु भगवान के हाथ में है। आज हमने अपने सद्गुरुदेव भगवान से क्या मांगना है, कुछ ना मांगो, क्योंकि जिस वक्त पहले भी ये प्रसंग कई बार सुना होगा कि जिस वक्त युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे तो भगवान ने कहा मेरे हाथ में दो चीजें, एक तरफ तो समझ के लिए शस्त्र भी चाहिए, सेना भी चाहिए, वीर भी चाहिए, युद्ध लड़ना है। तो घबरा के कह रहा कि कहीं अर्जुन सारी सेना वीर योद्धा अस्त्र शस्त्र हथी सब कुछ ना मांग ले। तो भगवान कहते कि भी एक तरफ तो ये सब, एक तरफ मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले का ये प्रण है कि जिधर मैं हूंगा मैं शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं आता खाली हाथ। अब अर्जुन से कहते हैं बारी तेरी है क्योंकि तेरे को सामने मैंने देखा, पहले तू मांग। तो अर्जुन कहते मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान कहते अर्जुन पागल हो गया, सोच के मांग, युद्ध की सहायता के लिए आया है, ना तुझे वीर चाहिए ना अस्त्र चाहिए ना शस्त्र चाहिए ना सेना चाहिए ना योद्धा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो युद्ध किससे लड़ेगा, मैं तो खाली हाथ आऊंगा तेरे साथ तो युद्ध कैसे जीतेगा। लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान दूसरी बार फिर कहते सोच गए, फिर भी कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। दुर्योधन कहता है मेरी बारी है मेरी बारी, वो घबराता है कहीं ऐसे ना ना मांग लिया। सबके सामने प्रमाण है, बार बार भगवान के उकसाने पर भी अर्जुन का भरोसा कि मुझे तो केवल आप चाहिए। अब जगत जाहिर है ये प्रसंग, ये जिसकी तरह भगवान दे उसका क्या बना, और जिसने भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगा उसका क्या बना। अब हम अपने हृदय के अंदर इस चीज का अंदाज लगाए, हम जब गुरुमय के पास आते हैं हम गुरुमय जी के आगे क्या मांगते हैं रोज रोज आकर के, ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी दे। तब ये मांगते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आप चाहिए, है ऐसी मांग। सब कुछ सामने होते हुए भी मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो जिसने उनको मांगा क्या वो खाली हाथ आए, क्योंकि सारी कायनात के मालिक तो वो हैं, उनके तो संकल्प में शक्ति है, हाथ से उठाने की उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके तो संकल्प से सृष्टि चलती है। ये मानते हैं ना जिंदगी वाले के संकल्प से ही परलोकी चल रही है, मानते हैं नहीं, जितने लोग मानते जरा हाथ खड़े करके बता दें।
ये कुल सृष्टि, कुल त्रिलोकी, कुल ब्रह्मांड, सारे लोग किसके संकल्प से, हाथ उठाने की जरूरत नहीं उनको, मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं, उधर आंख भी घुमाने की जरूरत नहीं, हृदय में ख्याल आया नहीं, संकल्प आया नहीं, तो कुदरत ने उधर को रुख मोड़ा नहीं। उनके संकल्प में इतनी शक्ति है, तो बताओ ना कि उनके संकल्प तक जाने के लिए, उनके दिल तक जाने के लिए किस चीज की भेंट चाहिए उनको, शब्दों की, पैसे की, अकल बुद्धि चतुराई की या दिल की? बोलो, केवल दिल की भेंट। तो आज हमने सतगुरु से निरंतर यही मांगना है, आज से लेकर जब तक सांस है, कि मुझे वो बना दे जो तेरी पसंद है। और जो उसकी पसंद बन जाते हैं उनके लिए वो क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या नहीं करना आता उसे, उजड़े जंगल में भी बस्तियां बसा देता है एक संकल्प से, मुर्दे में भी प्राण डाल देता है एक संकल्प से। एक आंखों देखी लीला है, हफ्ता पहले एक बच्चा उनवाले, वो बच्चा कीर्तन में भाई जी के साथ सत्संग में जाता है, उसके बड़े भाई को हार्ट की अटैक आया।